अखिलेश यादव और केजरीवाल की जोड़ी को लेकर रविंद्र जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल दगे हुए कारतूस हैं। लखनऊ कोर्ट में हुए हत्याकांड की घटना को रविंद्र जायसवाल ने निंदनीय बताया है। बता दें, सरकार ने इस मामले को लेकर जांच कमेटी का गठन कर दिया है। इस घटना के बाद 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। यही नहीं, रविंद्र जायसवाल ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी को हुई उम्र कैद की सजा पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा, जिला प्रशासन और सरकारी वकील की प्रभावी पैरवी से मुख्तार अंसारी को सजा हुई है। 2014 लोकसभा चुनाव में अजय राय ने मुख्तार अंसारी का सहारा लिया था। उन्होंने आगे कहा, अफजल अंसारी और अजय राय एक ही मंच पर खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। अभी दो दिन पहले एक कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया, उसको लेकर के पत्रकार भाइयों को अलग अलग कन्फ्यूजन था, उसको क्लियर कर रहा हूँ। किसी ने लिखा कि पावर ऑफ अटॉर्नी में अब पहले 50 रुपया था, अब सर्किट लगेगा, तो मैं इसको स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि पावर ऑफ अटॉर्नी में सिंगल आदमी के अटॉर्नी पर 10 रुपये पहले था, 10 रुपये आज भी है। 20 कुछ में 20 रुपये पहले था, 20 रुपये आज भी है। कुछ में 50 रुपये था, जिसमें कि लोग सेल करने का अधिकार यानी बिक्री करने का अधिकार देते थे, हम केवल वहाँ बदलाव करने गए हैं। अगर बिक्री करने का अधिकार परिवार के बीच में देंगे तो 5,000 रुपये होगा, परिवार के बाहर देंगे, ब्लड के रिश्ते के बाहर देंगे, तब सर्किल रेट की तरह लगेगा, क्योंकि इससे इसका लोग मिसयूज़ करते थे और मिसयूज़ करके उत्तर प्रदेश का राजस्व का क्षति हो रहा था, उस क्षति को रुका गया है। एक आँख के किसी आदमी की आँख खराब हो जाए तो इस पर ईश्वर का दोष माना जाता है, लेकिन कोई अपना आँख जानबूझ खराब कर ले और काला चश्मा पहन ले कि हम तो मोतियाबिंद हो गया है, तो वह अखिलेश बाबू का है। वह देखने को तैयार नहीं है और आँखों में चश्मा पहन लिए हैं कि हमें मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद को हुआ नहीं है, अगर हो जाता है तो सरकार के तरफ से फ्री में इलाज हो रहा है, तो वह करते हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। 10 लाख करोड़ रुपये का टारगेट रखा गया था, 35 लाख करोड़ का एमयू हो गया है और हम ग्राउंड बना रहे हैं, सेरेमनी करने जा रहे हैं, तो काम शुरुआत हो गया। वाराणसी से अमल कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।